अच्छा से बॉल डालिए ताकि रॉबिन मिंज कोई शॉट लंबा मार सके, सिक्स वाला शॉट। रॉबिन तो हम भी इशारा करते, एक सिक्स मारिए सिक्स। देखिए ये नॉर्मल बॉल था, ये रहा रॉबिन मिंज का सिक्स वाला शॉट। झारखंड का एक और खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमक बिखेरने को तैयार है, हम बात कर रहे हैं रॉबिन मिंज की। रॉबिन मिंज आने वाले समय में मुंबई इंडियंस की ओर से यूके में जाकर विशेष प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे और उसके बाद आने वाले समय में शायद हमें मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए दिखाई दे। हम अभी कालीनगर मैदान में हैं जहाँ पर रॉबिन मिंज प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, रॉबिन मिंज प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देंगे। और क्योंकि रॉबिन मिंज लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं तो आपको वो दिखाई देंगे कि किस तरह से वो जो अपने बैटिंग है, उनके जो स्किल्स है वो आपको अपने बैटिंग के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरह से जो है वो खेलते हैं और जिस आधार पर जो चयन करता है वो चयन करते हैं। और अभी जो तस्वीरें हैं यहाँ पर, वैसे तो कई खिलाड़ी हैं लेकिन हम बात करें रॉबिन मिंज की। रॉबिन मिंज संभवतः झारखंड का एक पहला ट्राइबल प्लेयर है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा और झारखंड की ओर से कई शुभकामनाएं मिल रही है। कई लोगों का कहना है कि रॉबिन मिंज आगे निकले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले और मैन इन ब्लू यानी कि टीम इंडिया के लिए भी खेलते हुए लोग देखना चाह रहे हैं। आपको बता दूं कि कल से मुश्ताक अली ट्रॉफी को लेकर भी कैंप जैसे क्रिकेट स्टेडियम में होना है उसको लेकर भी जो है तैयारियां की जा रही है। यहां पर जितने भी खिलाड़ी हैं वो उसमें लगे हुए हैं जिसमें रॉबिन मिंज भी शामिल है, उसके साथ साथ कई जो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं वो भी यहाँ पर हैं जो कि अभी यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि वो जब मुश्ताक अली का कैंप लगे तो वहाँ उनका बेहतर परफॉर्मेंस हो और उस आधार पे उनका मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए चयन हो। तो कह सकते हैं कि सभी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं लेकिन रॉबिन मिंज क्योंकि एक नया नाम झारखंड के वासियों के लिए निकल कर सामने आया है और सभी चाह रहे हैं कि झारखंड का एक ट्राइबल लड़का, ट्राइबल खिलाड़ी आगे निकल कर सामने आए, टीम इंडिया के लिए खेले, तो ये झारखंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी और लोग भी उन्हें देखना चाहते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि रॉबिन मिंज लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और धोनी से काफ़ी इंस्पायर्ड हैं और विकेट कीपर बैट्समैन भी हैं, तो लोग चाह रहे हैं कि जिस तरह से धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमक बिखेरी थी उस तरह से रॉबिन मिंज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमक बिखेरे और उनका नाम होने के साथ साथ झारखंड का भी नाम हो, रांची का भी नाम हो, तो रॉबिन मिंज भी अपने स्तर से पूरा प्रयास कर रहे हैं और हर तरह का जो शॉट्स है वो आपको तस्वीरों में दिखाई देगा कि किस तरह से वो शॉट्स खेलते हैं और आपको जब वो शॉट मारते हुए दिखाई देंगे तो उनका एक अलग तरह का अंदाज भी देखने को मिलेगा कि किस तरह से वो खेलते हैं। और सिक्स बहुत अच्छा मारते हैं, जैसा कि हमने लोगों से बात की, उनके जो कोच हैं उनसे बात की तो उनका कहना है कि रॉबिन मिंज सिक्स अच्छा मारते हैं और हम कोशिश करेंगे कि किसी बॉलर को बोले कि इस तरह का बॉल डाले और रॉबिन मिंज कोई अच्छा शॉट मार के दिखाए, एक अच्छा सा बॉल डालिए ताकि रॉबिन मिंज कोई शॉट लंबा मार सके, सिक्स वाला शॉट थोड़ा बॉल डालिए वैसा ताकि, देखिए हमने कहा है अब देखते हैं रॉबिन मिंज को भी हम इशारा करते हैं कि वो भी, रॉबिन तो हम भी इशारा करते हैं, एक सिक्स मारिए सिक्स सिक्स। चलिए तो हमने कहा है अब बॉल भी, अब देखिए रॉबिन मिंज, ये रहा रॉबिन मिंज का सिक्स वाला शॉट, हालांकि ये फुल टॉस था लेकिन हम चाहे बोलेंगे कि नॉर्मल बॉल डालें उसमें वो रॉबिन सिक्स मार के दिखाएंगे। देखिए ये नॉर्मल बॉल था और इसमें भी शानदार शॉट रॉबिन ने मारा है, तो कह सकते हैं कि अपना जो स्तर है वो लगातार बढ़ाने की रॉबिन की ओर से प्रयास की जा रही है और
हर तरह के शॉट्स खेलते हैं। तो आने वाले समय में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि रॉबिन लगातार अच्छा परफॉर्म करते आए और झारखंड के लिए एक नया नाम सामने आए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का एक और खिलाड़ी को लोग जाने। और लोग जानने के बाद क्या होता है कि जैसे महेंद्र सिंह धोनी को लोग जानते थे, ईशान किशन को जान रहे थे, अब नया नाम सामने आया है, वो है रॉबिन मिंज। और लोग चाह रहे हैं कि रॉबिन मिंज भी उस तरह से ही परफॉर्म करे जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी और ईशान किशन ने परफॉर्म किया है। तो जैसा कि रॉबिन ने बताया था कि रॉबिन की जो इंस्पिरेशन है वो है महेंद्र सिंह धोनी, तो वो भी चाहते हैं कि वो भी महेंद्र सिंह धोनी की तरह ही आगे देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि ये भी विकेट कीपर बल्लेबाज है और महेंद्र सिंह धोनी भी विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और ईशान किशन भी विकेट कीपर बल्लेबाज है, लेफ्ट हैंडर है, तो काफ़ी जो है कॉमन है इन दोनों खिलाड़ियों में। तो कह सकते हैं आने वाले समय में एक नया चेहरा झारखंड को और देश को मिल सकता है। न्यूज़ बायोस्कोप ले कैमरा पर्सन विकास के साथ नीरज कुमार, रांची।